नमस्कार वर्गो, वर्गो यानी कन्या राशि, मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की करंट फीलिंग्स देखेंगे कि जो वर्गो और वर्गो के पर्सन हम कि एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम देखेंगे और लास्ट में गाइडेंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं वर्गो के जो आपके पर्सन हैं वो उनकी इस रिश्ते को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। तो जो वर्गो आपके पर्सन इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, सहनाई या बस्ती देखना चाहते हैं, इस रिश्ते को विक्टोरियस सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, या फिर उनके पर्सन जो ऐसा जो है आप वर्गो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं या फिर वो उनके पर्सन के लिए ऐसा सोच रहे हैं। यानी कि जो वर्गो हैं वो अपने पर्सन के लिए भी ऐसा सोच सकते हैं या फिर उनके पर्सन उनके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को। एस ऑफ कप्स, द एम्परर एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो वर्गो के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में जगलिंग फेज में ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें। अगर वो जिगजैग करते रहे, उन्होंने समय रहते एक डिसीजन नहीं लिया तो जो है वो इस आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो सबसे पहले इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस परेशानी से बाहर निकलें, एक मन एक विचार करें कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। अगर वो जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो वो वहाँ जाए, नहीं तो इस रिश्ते में ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें और समय के साथ फ्लो के साथ चलें। ज़्यादा इमोशनल ना हो, ज़्यादा इमोशंस में ना बहे, और यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और समय रहते उसमें डिसीजन ले लेते हैं, भले ही ये डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, हार्श हार्ड हो सकता है, लेकिन जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि वर्गो इतने हार्ड ना हो, इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, और वो इस रिश्ते में एक डिसीजन ले और इस रिश्ते में जो भी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं उसे एक्सेप्ट करें, ताकि समय के साथ फ्लो के साथ चीज़ें बहें और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सके, दोबारा से सहनाइयाँ बच सके, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह हो और ये रिश्ता विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, नेम और फेम हो, ऐसा वो वर्गो के लिए महसूस कर रहे हैं या फिर उनके पर्सन के लिए ऐसा वो फील कर रहे हैं। जो उनके पर्सन हैं वो देख लेते हैं वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग क्या है इस रिश्ते को लेकर। राइट नाउ आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को इसमें कमिटमेंट वगैरह करनी चाहिए और इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वो कमिटमेंट वगैरह कर लेते हैं इस रिश्ते में तो इस रिश्ते में फिर से सहनाइयाँ बच सकती हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम होना, सारी चीज़ें फिर से इस रिश्ते में हो सकती हैं। दोनों तरफ से ही मतलब वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही चाहिए। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स को। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा सा इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, ये एनर्जी नहीं बन पा रही थी, तो सबसे पहले इस रिश्ते में वो बैलेंस लाएँ, स्टेबिलिटी लाएँ, इक्वलिटी लाएँ इस रिश्ते में, क्योंकि अगर दोनों तरफ से ही, दोनों रिश्ते में ही प्यार प्रेम होगा, दोनों में बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी,
तो ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और मजबूत बनेगा। तो वो इसमें बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी तो वहाँ उसमें वो एनर्जी चाहते हैं, क्योंकि और वो ये भी चाह रहे हैं कि मतलब इस रिश्ते में थोड़ा सा वो रिश्ते पर फोकस करते हुए, अगर उनके पास कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करने के लिए है तो वो दान दक्षिणा जरूर दें, गरीबों को दान करें, ताकि जो है ये रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि दान देने से रिश्ता हमेशा फलता फूलता है। और उसके बदले में जो गरीब लोग उनको दुआएं देंगे, जो आशीर्वाद देंगे, तो उससे रिश्ते में बैलेंस आएगा। और क्योंकि इस रिश्ते में वो और चाह रहे हैं वो कि थोड़ी सा वो अपने आप को, क्योंकि इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न रही है, परेशानियां रही हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दें, आराम दें, रिलैक्स करें अपने आप में, वो इस रिश्ते में जल्दबाजी ना करें, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दें, और सही समय सही वक्त आने पर जब उनको लगे कि वो रिलैक्स हो चुके हैं, आराम कर लिया है, और तो उठकर वो एक बिगनिंग एक शुरुआत करें, ताकि जो ये दुख के बादल हैं, जो परेशानियां हैं, वो सारी खत्म हो, इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत हो, और इस रिश्ते में बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए, खुशहाली आए, फ्रूटफुल ये रिश्ता बने, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में इमोशंस हैं। वर्गों भी इस रिश्ते को चाहते हैं और वर्गों के पर्सन भी चाहते हैं, दोनों तरफ से ही बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी खुशहाली चाहते हैं, भले ही वो इस रिश्ते को जाहिर ना कर पा रहे हों, लेकिन इस एक्सप्रेस ना कर पा रही हूँ, लेकिन प्यार परम प्रेम तो दोनों तरफ से है, तो वो खुशियाँ चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा आराम करें, रेस्ट करें, अपने आप को रिलैक्स करें, और तभी वो आगे बढ़ने के बारे में सोचें। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, तो देखते हैं वो एक दूसरे से चाहते क्या हैं। वर्गो आपके जो पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्यायप्रिय बनाना चाहते हैं इस रिश्ते में, वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में परेशानियां तकलीफें तो रही हैं, बाधाएं रही हैं, रुकावटें रही हैं, वो सारी खत्म हो और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए, और जिसने जैसे कर्म कांड किया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिले। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली वो क्या चाहते हैं, वर्गों के पर्सन वर्गों से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि हालांकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है, दोनों तरफ से ही प्यार है, और जो आपके पर्सन हैं वो महसूस करते हैं हमेशा कि जो आप जो वर्गो हैं, जो भी जिस काम को भी अंजाम देते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत बिंदास है, वो बहुत सोच समझ कर काम को करते हैं, और जो भी परेशान काफ़ी खूबसूरती से उस काम को निपटाते हैं, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा के लिए। और जो इस रिश्ते में जो रुकावटें आई हैं, जो बाधाएं आई हैं, जो हो सकता है कि कुछ कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम पैसे को लेकर भी हो, तो वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो जो वर्गो हैं वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उन पर सॉरी गाइस, उनके पर्सन चाहते हैं, वर्गो के पर्सन चाहते हैं कि वर्गो उन पर भरोसा करें, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर भरोसा बिलीव नहीं किया जा रहा है, इन एंड आउट की पोजीशन बनी हुई है, रिश्ता ख़त्म हो रहा है फिर बन रहा है, तो चीज़ों में वाद विवाद है, यहाँ तक कि हो सकता है कि घर से भी इस रिश्ते में बार बार निकाला जा रहा है, और हाथापाई भी हुई है इस रिश्ते में लेकर, मतलब काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी एंजाइटी इस रिश्ते में दिखाई दी है, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे पर भरोसा किया जाए, और उनकी दिली तमन्ना है, उनकी मैनिफेस्टेशन है कि वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, उनके वो जो है इसमें माइंड गेम मैनिपुलेशन ना करें एक दूसरे के साथ, और जो मैनिफेस्टेशन है जिसके लिए वो इतने दिन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये रिश्ता
यूनिवर्स की ब्लैसिंग्स से फ्रूटफुल होना चाहिए, कामयाब होना चाहिए। तो यूनिवर्स की ब्लैसिंग्स से अगर वो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर भरोसा यकीन कर लिया जाता है, तो इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, जिसने जैसा कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिलेगा। तो ऐसा वो इसमें चाहते हैं, दूसरे से माफ़ी मांगते हुए न्यायप्रिय इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आगे कोई भी ऐसी गलती ना हो कि दोबारा से यूनिवर्स को बैकफायर करना पड़े। मतलब अगर गलती करेंगे तो यूनिवर्स उनको छोड़ने वाले नहीं है। तो देखते हैं वर्गों के आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। नाइट ऑफ कप्स, तो आप अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहते हैं, या फिर महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहिए, ताकि जो रिश्ता है फिर से इस रिश्ते में खुशी मिले। भले ही ये बिगनिंग एक छोटी हो सकती है, एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन वो इसमें एक बिगनिंग एक शुरुआत चाहते हैं कि उनकी तरफ प्यार का प्रपोजल लेकर आए। इसको क्लैरिफाई करते हैं, द स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए चाहते हैं कि वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें, क्योंकि जो ये समय है, जो ये वक्त है, अभी सही नहीं चला हुआ है, अभी सही समय नहीं आया है। अभी वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, या फिर किसी ऐसे हीलर से मिले जो इस रिश्ते में ग्रोथ ला सके, जिससे एक अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये रिश्ता निखरेगा। जो क्योंकि इस रिश्ते में जो भी बाधाएं रही हैं, जो भी रुकावटें रही हैं, तभी तो चीज़ें सही होंगी जब इसमें हीलिंग होगी। तो और जो इन एंड आउट की जो पोजीशन रही है, जो इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई इकरार नहीं, जो आना जाना लगा हुआ है, घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता हुआ है, जिसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई भी मतलब ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो उनसे शादी करेंगे या इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह का वो इसमें कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं कि इसमें तभी इसमें बिगनिंग शुरुआत होगी, और उनकी तरफ वो लव ऑफर लेकर आए कि वो इसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे और फिर से इसमें पहले की तरह इस रिश्ते को नहीं रखेंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिलेगा, एक बिगनिंग एक शुरुआत होगी। वो चाहते हैं कि ऐसा सब कुछ होने के बाद ही इसमें एक बिगनिंग एक शुरुआत हो, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर गोल्डन स्टार हो सके। काफ़ी धीरे धीरे करके, भले ही एक बिगनिंग एक शुरुआत हो इसमें, लेकिन धीरे धीरे करके ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में हों, फिर आगे फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई बाधा इस रिश्ते में ना रहे। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो इसका आउटकम देखते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का जो है आउटकम क्या रहने वाला है, देखते हैं। तो हो सकता है कि अभी तक इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम रही है, कि वर्गों ने उनके पर्सन को दुख दिया है, या उनके पर्सन ने वर्गों को दुख दिया है, तो हो सकता है कि इस कंफ्यूजन से, इस डाउट से, इस परेशानी से बाहर निकल रहे हैं, आपस में समझौता करते हो सकता है कि समझौता हो रहा है इस चीज़ में, कि अभी बहुत हो चुका, इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं और इस रिश्ते को फिर से एक करने की कोशिश करते हैं। या फिर कोई एक जना इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंतित है, अभी भी महसूस कर रहा है कि जितना इस रिश्ते को आगे, जितना उन पर भरोसा बिलीव किया गया, उनके पर्सन ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली इसका जो आउटकम है वो क्या है, इसीलिए इसको क्लैरिफाई किया जाता है, इसलिए साथ में कई कार्ड्स निकाले जाते हैं, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो सके। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून।
जी इसका जो आउटकम बता रहा है, तो इसमें या तो वर्गो या तो वर्गों के पर्सन या फिर दोनों ही जने इस रिश्ते में जो भी लड़ाई झगड़ा रहा है, जो भी कन्फ्यूजन रही है, जो भी वाद विवाद रहा है, जो वो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जाएगा रहा, जिससे वो अभी भी जूझ रहे हैं, अभी भी प्रॉब्लम में हैं, अभी भी उस चीज़ से वो रिलैक्स नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि इस लड़ाई झगड़े को, इस फाइट को, इस ड्रामे को, इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देते हैं, और यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं, जो व्हील ऑफ फॉर्चून, जो भाग्य उनका साथ देने आ रहा है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी नेक नीति के साथ, बिना किसी एडिक्शन के, बिना किसी लस्ट के, उन एडिक्शन को, उन लस्ट को छोड़ते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, तो इस समय को यूटिलाइज करते हैं, इस समय का सदुपयोग होना चाहिए। और अगर इस चीज़ का दोनों मिलकर सदुपयोग करते हैं, इसका इसको जो व्हील ऑफ फॉर्चून जो उनका साथ देने आ रहा है, भाग्य साथ देने आ रहा है, तो इस लस्ट को, इस एडिक्शन को छोड़ते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करेंगे, तो इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी आएगी, ये इस रिश्ते में जो है बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम बढ़ेगा, और ये रिश्ता जो है काफ़ी गॉर्जियस होगा, सक्सेसफुल होगा, हर तरह की खुशी इस रिश्ते से मिल सकती है। जो ये परेशानियां रही हैं, जो ये लड़ाई झगड़ा रहा है, जो ये फाइट्स रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें ख़त्म होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, और काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में मिलेगी, सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा, और यूनिवर्स इसमें साथ दे रही है। जो ये भाग्य का पहिया है वो कुछ दिनों के बाद चेंज हो सकता है, बदल हो सकता है, लेकिन जब तक समय उनके फेवर में है, कम मतलब 10 दिन से लेकर 1 महीने तक का ये समय होता है इसमें दिखाई दे रहा है, तो अगर इन दिनों के अंदर अगर दोबारा से आप एक दूसरे से समझौता करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके, चाहे समय रिश्ता बनने में 10 महीने का भी समय लगे, 1 साल का भी समय लगे, लेकिन चीज़ें सक्सेसफुल होंगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम मिलेगा, और अबंडेंस आएगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव होगा, जो बहुत नेगेटिव रहा है। तो उन्होंने मन बना सोच रहे हैं, कोई एक जना वर्गो या वर्गों के पर्सन या फिर दोनों ही ने सोच लिया है, ठान लिया है कि भले ही उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंजाइटी का, धोखाधड़ी का, परेशानी का कार्ड होता है, और एस ऑफ सोर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का, जो अंधेरे के बाद जो उजाला होता है, जो अंधेरी रात के बाद जो एक छटना होता है, उसके साथ अगर एक बिगनिंग, एक इस उम्मीद के साथ वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं कि जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद सवेरा होता है, तो उसी तरह से अगर वो इस उम्मीद के साथ दोबारा से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर से इस ये रिश्ता खुशहाल होगा, कामयाबी होगी, नेम और फेम मिलेगा, तो उस उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ना, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि बनने जा रहा है, बन सकता है, अगर आप कोशिश करेंगे दोनों तरफ से। तो इसका जो है गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहने वाली है इस रिश्ते की, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या रहेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले आप उन चीज़ों से मूव ऑन कीजिए, क्योंकि आप अभी भी दुख तकलीफ में हैं, आप अभी भी किसी एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो पहले उस जगह से, उस सिचुएशन से, उन लोगों से मूव ऑन कीजिए जो बाधाएं दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और जब आपको लगे कि आप रिलैक्स हो चुके हैं, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, और इस रिश्ते में दोनों तरफ से क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुल कर बातें कीजिए, चाहे उसके लिए रिश्ता बनता है नहीं बनता है वो बाद की बात है, लेकिन अगर इसमें क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, निष्पक्ष भावना से आगे बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते में जो क्लैरिटी आएगी, तो वो फ्यूचर को मजबूत करेगी, फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा, और जो दुख के बादल हैं वो सारे ख़त्म होंगे, और
जो अपॉर्चुनिटी है वो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी, खुशहाली इस रिश्ते में आएगी और रिश्ता खुशहाल बनेगा, काफ़ी सक्सेसफुली रिश्ता बनेगा। तो आपको पहले उन जगह से, उस सिचुएशन से, उन बातों से मूव ऑन करना है जो आपको परेशानियां दे रहे हैं, दुविधाएं दे रहे हैं। जब आप उस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हैं तो तभी आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा और इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो है इस ये रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह अगर करेंगे तो इसमें फिर से ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम होगा और काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।